नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर आरआरबी की वेबसाइट ओपन है और यहां पर पहले आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन बहुत सारे फॉर्म हो चुके हैं। तो आपने किसी में भी आवेदन किया है, आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो सीधा होम पेज पर जाएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और आप आवेदन कर सकेंगे। डिटेल्स अपने आप फेच वहाँ से हो जाती है। फोटो ग्राउंड वायर्ड होना चाहिए, सिग्नेचर जो उसके साइज में होना चाहिए जिससे फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। यदि आप न्यू यूजर हैं, सबसे पहले आपको जाना होगा क्रिएट अकाउंट पर, यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले थे कि यहाँ पर अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से वैकेंसी चल रही थी, तो और अब आ चुकी हैं आरआरबी एनटीपीसी में 10+2 लेवल से आ चुकी हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम सभी के लिए, 18 से 33 की एज है तो आप इसमें 10+2 यानी कि हाई स्कूल और इंटर से आवेदन कर सकते हैं। पिछली वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी जो अभी चल रही है करंट में, वो ग्रेजुएट लेवल से थी और ये इंटर लेवल से है, यानी कि इंटर लेवल से वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। तो न्यू यूज़र जो है इस वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानते हैं पूरी जानकारी स्टेप बाई स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर नेम डालेंगे 10th की मार्कशीट के अनुसार, और आधार कार्ड 10th की मार्कशीट सेम होना चाहिए। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल करना है, उसके बाद जेंडर को फिल करना है, पापा का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, क्या आपके आधार और हाई स्कूल में डिटेल सेम है, तो उस पर टिक करेंगे, डिटेल को मैच करेंगे, उसके बाद यहाँ ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। देखिए, ईमेल पर यदि ओटीपी नहीं आ रहा या मोबाइल पर नहीं आ रहा तो नाइट में या फिर साइट जब अच्छी चले तब यूज़ कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी को चेंज करके दोबारा से ओटीपी को सेंड करके देख सकते हैं, समाधान आपका हो जाएगा। यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और कैप्चा फिल करेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू आपके सामने होगा, अच्छे से चेक करेंगे, कोई समस्या लग रही है तो एडिट बटन वहाँ देखने को मिलता है, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको फिर से होम पर आना होगा और यहाँ पर मिलेगा आपको अप्लाई बटन, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा, फॉर्म को लॉगिन कर लेना होता है। तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया, उसके बाद मोबाइल नंबर से और पासवर्ड जो हमने रजिस्ट्रेशन में क्रिएट किया है उसको फिल करके, यहाँ पर कैप्चा फिल करते हुए लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपना जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ये देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ से क्लिक करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, लास्ट डेट है, स्टार्ट डेट है, सब कुछ है। देखिए ओपनिंग डेट 21/24 है, आज स्टार्ट हुआ है और 20 अक्टूबर लास्ट है, लगभग एक मंथ आपको यहाँ मिल जाता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं, उसके बाद किस जोन से अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन वैकेंसी को चेक करेंगे, मुंबई से करना है, कहाँ से करना है, उसका सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा अगले स्टेप के लिए। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो डिटेल ऑटोमेटिक फिल होती चली जाएगी, यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तब भी आप वीडियो के माध्यम से फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। अगला स्टेप दोस्तों आपके सामने है और यहाँ पर कुछ डिटेल रजिस्ट्रेशन के समय की है और नई डिटेल्स को आप यहाँ, जैसे मैरिड अनमैरिड है, रिलीजन धर्म है, मदर टंग है, पहचान चिन्ह लिखना है शरीर के, और यहाँ पर अपना एग्जाम की जो लैंग्वेज है, किस भाषा में पेपर देना चाहते हैं आप, वो यहाँ फिल करना है। कैटेगरी यदि ओबीसी हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, सिलेक्ट कर लेना होता है। यदि ओबीसी हैं तो ये सिलेक्ट करना होगा। अपना जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार वाला यहाँ डालना होगा। यदि नहीं डाल रहे हैं तो आप बनवा के रख लीजिए, एग्जाम के टाइम काम आ सकता है, आएगा। और आय प्रमाण पत्र यदि आप लगाएंगे ओबीसी कैंडिडेट तो फीस आपकी कम हो जाएगी, नहीं लगाएंगे तो फीस आपकी जो लग रही है वही फीस लगेगी। रिफंड में यदि आप 250 कटता है तो 250 वापस आएगा, यदि 500 कट रहा है तो 400 वापस आएगा। अकाउंट लगाना अति आवश्यक है, डिटेल को सावधानी से भरें। चलिए अगले स्टेप पर हम पहुंचते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है, एड्रेस को अच्छे से फिल करेंगे, फिल करने के बाद सेव करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप दोस्तों आपके सामने है, एक्स सर्विस डिसेबिलिटी के लिए यदि आप यस करना चाहते हैं एलिजिबल तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर नो करना होगा। उसके बाद अगला स्टेप है ईवीसी। जैसा कि मैं बता रहा था, यदि आप ओबीसी हैं और आपने यहाँ यस कर रखा है और यहाँ पर भी यस करना होगा, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र डालना होगा, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट लगाना ही अनिवार्य है, डेट ऑफ इशू डालनी है और अपलोड ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना है। यदि भर्ती के समय डीवी के टाइम यदि आप अपात्र पाए जाते हैं, आपका आय प्रमाण पत्र एक्सपायर होता है, गलत होता है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए आप प्रूफ के लिए नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें। चलिए अगले स्टेप पर पहुँचते हैं, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ही लगाना अनिवार्य है और यहाँ पर नो कर देंगे, यहाँ पर भी नो कर देंगे क्योंकि मैं इनमें से नहीं हूँ। अकाउंट अपना यहाँ लगा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
फ्रेंड्स, अगला स्टेप आपके सामने है जहाँ पर एसेंडेंट क्वालिफिकेशन को भरना अति आवश्यक होता है। हाई स्कूल डिटेल आप फिल कर चुके हैं, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ डिटेल ऑटोमेटिक फिल होगी और उसके लिए यहाँ आपको सबसे पहले एडिट करना होगा। एडिट करके अपना 10th का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा होगा अपलोडिंग का, वो हट जाएगा। फिर केवल 10+2 आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 10+2 की डिटेल्स को यहाँ अच्छे से फिल कर देंगे। टाइपिंग के लिए यस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और यहाँ मैंडेटरी भी बताया गया है। तो यहाँ पर डिटेल्स एंटर की फिल कर ली गई है, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बोर्ड डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़े हैं, उसके बाद बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने किया है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन, जो भी आपकी मार्कशीट में लिखा हो यस कर देंगे, परसेंटेज लिख देंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एजुकेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ दिया गया है, यदि आपके पास है तो आप बैचलर डिग्री लगा सकते हैं, नहीं तो ये 10+2 की वैकेंसी है तो आप 10+2 तक ही फॉर्म भर सकते हैं, चूँकि ग्रेजुएशन की वैकेंसी यहाँ पर चल रही है पहले से ही। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल से अब जो 10+2 लेवल से आई है, तो हमने डिटेल्स को फिल कर दिया है। यहाँ से एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं हाई स्कूल इंटर की डिटेल्स को। क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री भी यहाँ दिया गया है, यदि आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए, नहीं है तो आप केवल हाई स्कूल और इंटर को ही फिल करके फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे और अगले स्टेप पर पहुँच जाते हैं। अगले स्टेप में आप देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेट EBC आ चुका है, हाई स्कूल का मार्कशीट भी आ चुका है, यहाँ पर क्लिक करके व्यू करके चेक कर सकते हैं। फोटो जो है बहुत ही अच्छे से लगानी है, या सैम्पल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज यहाँ दी गई हैं, इनको देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, नहीं है तो आप ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूव की सहायता से कर सकते हैं। उसके बाद फोटो अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, 3.5-4.5 का जो साइज है वो होना चाहिए फोटो को। आप चाहे तो RSGAN YouTube चैनल वहाँ पर जा सकते हैं, पहले से वीडियो अपलोड है जिनको देख कर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फोटो को बनाना सीख सकते हैं। वैसे यहाँ पर दिया गया है 320x240 पिक्सल, इसका साइज बना लीजिए और बनाने के बाद जो आप फोटो को सेट करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं और फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकते हैं। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आप जो है 4-2 का बना लीजिए, 300 DPI पे स्कैन करने के बाद उसको फोटोशॉप के माध्यम से सेट कर लीजिए और यहाँ पर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, वहाँ पर उतना ही सिग्नेचर लिया जाएगा जितने की यहाँ पर ज़रूरत है, तो आप परेशान मत होइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए सिग्नेचर अपलोड हुए और दोबारा से री अपलोड करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, री अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर आप 300 DPI में स्कैन करें या 200 में करें और 4-2 में बनाएं या 3.5-1.5 में बनाएं, बना लीजिए और उसके बाद जब अपलोड करते हैं तो यहाँ ऑटो सॉफ्टवेयर मिलता है, वो अपने हिसाब से ही लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हुए चलते हैं, देखिए हमने जैसे ही ब्राउज़र से चूज़ फाइल को किया, देखिए यहाँ पर सिग्नेचर ले लिया, ये मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर रखा, बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट ओरिजिनल सिग्नेचर लगाना। देखिए ये जो बॉक्स यहाँ दिया गया है RRB का डॉट डॉट करके, ये उतने ही सिग्नेचर लेगा जितने की उससे ज़रूरत है। यदि इससे सिग्नेचर कट रहे हैं तो इसको आप अप डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, फिर भी यदि सिग्नेचर आपका बॉक्स के बाहर जा रहा है तो फोटोशॉप में जाके 3.5-1.5 में या फिर 4-2 में बना लीजिए आप, तो आपका यहाँ कटेगा नहीं, बॉक्स के अंदर अपने आप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब बॉक्स के अंदर आ जाए और नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए जूम और जूम आउट का बटन है, देखिए हो रहा जूम, मिनिमम और मिनिमम आगे बॉक्स के अंदर सेट, तो इस प्रकार से सेट कर लीजिए जूम और मिनिमम की सहायता से। उसके बाद यहाँ क्लिक कर देंगे, ये आपका अपलोड हो जाएगा सिग्नेचर। ठीक है, तो फोटो सिग्नेचर अच्छी क्वालिटी में ही अपलोड करें जिससे फॉर्म आपका 100% एक्सेप्टेबल रहे। चलिए अब अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं हम लोग। तो हम आ गए हैं प्रेफरेंस पोस्ट पर, यहाँ पर वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर टाइपिंग के लिए हमने इसलिए यस किया था क्योंकि यहाँ सब टाइपिस्ट का ही है। देखिए टाइपिस्ट क्लर्क है, टिकट क्लर्क है, कम टिकट क्लर्क है, टिकट क्लर्क है, टाइपिस्ट। अब टाइपिस्ट वाला आप नहीं भरेंगे कंप्यूटर वाला, तो आपको वही पोस्ट मिल पाएंगे जिनमें टाइपिंग नहीं है। और मान लीजिए सभी पोस्ट टाइपिंग हुई तो आप रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, तो यस कर दीजिए भाई, बाद की बात है, टाइपिंग तब तक तो सीख ही लेंगे जब तक भर्ती का नंबर आएगा। ठीक है, तो टाइपिंग वाला यस करिएगा। यहाँ देखिए सभी टाइपिंग का दिया, क्लर्क में भी भाई टाइपिंग ही करनी पड़ती है। चलिए यहाँ पर सभी प्रेफरेंस भर लेते, आप अपने क्रम से भर लीजिए, बट हम समझाने पर बस यहाँ देखिए हमने सभी फिल कर दिए यहाँ पर, और टाइपिंग वाले ऑप्शन पर जरूर यस करें। उसके बाद जो यहाँ डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा, टिक करने के बाद जो है अगला स्टेप नीचे मिलता देखने को। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सभी डिक्लेरेशन टिक करेंगे, यहाँ पर प्लेस जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं वो डाल देंगे। यहाँ पर डालने के बाद सेव करेंगे, प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर करेंगे, प्रिंट आउट को अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों, चेक करने के बाद उसे सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनल प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर आ चुका है और यहाँ अच्छे से चेक करेंगे और बस यदि कुछ समस्या लग रही तो एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट करते ही फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है और फीस पेमेंट के लिए ऑप्शंस आपके सामने आ जाता है।
उसके बाद फीस पे करनी होती है। पे करने के बाद फिर आपके सामने एप्लीकेशन हिस्ट्री आती है, यानी कि पेमेंट स्लिप आती है। फिर आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाते हैं, वहाँ से अपना प्रिंटआउट डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट यदि फेल्ड हो गया, एरर हो गया, अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो 24-48 घंटे वेट करें और वेरीफाई करने के लिए 15 मिनट का वेट करें। उसके बाद लॉग इन करके अपना पेमेंट वेरीफाई करते रहें। यदि कटा है तो सक्सेस जरूर होगा। 24-48 घंटे का वेट करें, अकाउंट को चेक करते रहें। हेल्पलाइन नंबर ईमेल होम पेज पर दिया रहता है, वहां पर यूज़ करें और अपनी सहायता करें। समय से पहले फॉर्म करें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। कंप्यूटर लैपटॉप से करें, मोबाइल से फॉर्म करने से बचें। इस प्रकार अगला स्टेप आपके सामने जो है पेमेंट का आता है। इस प्रकार से डेमो के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन आपके सामने आएंगे। और अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैपेंस ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। जब तक फीस क्लियर नहीं होगी तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन क्लियर नहीं माना जाएगा। भले ही फीस कट गई हो बट अपडेट होना चाहिए, जैसा कि हम वीडियो में दिखाएंगे आपको। स्टेटस, अप्रूव, प्रिंट सब कुछ दिखाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यदि आपका है तो आपका 100% फाइनल प्रिंट क्लियर है, पेमेंट क्लियर है। तो चलिए अगले स्टेप पर पहुँचते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वैसे आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी कभार UPI से पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। PC लैपटॉप पर ही करें जिससे आपका समाधान हो सके। तो यहाँ पर फटाफट डिटेल डाल देते हैं ATM कार्ड की। पे नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाता है। या फिर UPI से कर रहे हैं तो मोबाइल से फटाफट कोई भी UPI ऑन करेंगे, स्कैन करेंगे और पेमेंट को चैट से कर देते हैं। अगला स्टेप के सामने है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया होगा। OTP डालकर मेक पेमेंट करेंगे। इस प्रकार पेमेंट की सक्सेसफुल स्लिप जनरेट हो जाती है। यदि नहीं हो रही है तो पेमेंट को वेरीफाई करना होता है। अगला स्टेप जो होता है आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री में हम जाते हैं। यहाँ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसके बराबर से टैब होता है एप्लीकेशन हिस्ट्री का। जैसे ही एप्लीकेशन हिस्ट्री पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल स्टेटस दिखाई देता है। पेमेंट कंप्लीटेड लिखा होगा, पे का बटन बंद होगा, वेरीफाई का बटन बंद होगा, व्यू एप्लीकेशन का हाईलाइट होगा जहाँ पर पेमेंट का प्रूफ होगा। यहाँ से स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ ऑप्शंस नहीं है तो पेमेंट हिस्ट्री में जाकर वहाँ से स्लिप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं, सक्सेसफुल स्लिप। अब बात करते हैं पेमेंट फेल्ड हो गया है तो यहाँ ये ऑप्शंस जो आपका बंद होगा, ये ऑप्शन हाईलाइट होगा वेरीफाई का। यदि वेरीफाई हो चुका होगा तो ये वाला हाईलाइट होगा। अब स्थिति ये मान लीजिए पेमेंट कट गया, यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग आ रहा है और ये ऑप्शंस बंद है और ये आपका जो हाईलाइट है तो पहले इसको वेरीफाई करना होगा। नहीं हो रहा है तो रात में नाइट में करिएगा, जब वेरीफाई हो जाएगा तभी आपको एक स्लिप जनरेट होगी, फील्ड या सक्सेस की स्थिति आपको दिखाई देगी, उसी के हिसाब से आपको एक्शंस लेना होता है। यदि पेमेंट वाकई में फील्ड हुआ है और वेरीफाई आपने कर लिया है तो पेमेंट का ऑप्शन हाईलाइट होगा, पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट कट गया है, वेरीफाई भी कर लिया और पेमेंट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, 24-48 घंटे वेट करना होगा, इंतजार करना होगा, रिफंड चेक करना होगा अपने अकाउंट का और हेल्पलाइन नंबर ईमेल का प्रयोग करना होगा। दोस्तों अगर फिर भी समाधान नहीं हो रहा है, लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है, सारे प्रयास कर चुके हैं दोस्तों, तो पे नाउ का बटन अभी भी हाईलाइट है यदि, तो आपको दोबारा से पेमेंट करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पेमेंट कंप्लीट लिखा होगा तभी प्रिंटआउट कंप्लीट माना जाएगा। कुल मिलाकर हम आपको आखिर में यही कहेंगे, जब भी पेमेंट अपडेट होगा, जब भी स्टेटस क्लियर होगा, जब भी फॉर्म कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर जब भी एप्लीकेशन स्टीम जाएंगे तो पेमेंट कंप्लीटेड होना चाहिए पहला चीज। दूसरा पेमेंट का स्टेप वेरीफाई जो बटन है ये दोनों बंद होना चाहिए, ये बटन हाईलाइट होना चाहिए और यहाँ से प्रिंट स्लिप जनरेट होना चाहिए। जब भी यहाँ क्लिक करेंगे तो पेमेंट विद के यहाँ प्रिंट जनरेट होना चाहिए और स्टेटस में पेमेंट कंप्लीट लिखा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपडेट आपको कैसी लगी, यदि पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें, समस्या लगी तो कमेंट लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।